अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आपको एक बार फिर से बताते हैं कि कल से क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। अप्रैल 1 तारीख से क्या क्या बड़े बदलाव। एक तो आधार कार्ड के साथ पैन का लिंक कराना अब जरूरी हो गया है। बैंकों के IFSC कोड और चेक बुक भी बदल सकते हैं। सभी तरह की गाड़ियां महंगी होने वाली हैं अप्रैल 1 तारीख से। PF में होगा इजाफा, क्योंकि जो बेसिक है ओवरऑल सैलरी का के में जो बेसिक का हिस्सा होता है उसको बढ़ा दिया गया है। इस हिसाब से PF में इजाफा होगा, लेकिन इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। सभी तरह की गाड़ियां आपको जैसा हमने बताया महंगी हो जाएंगी। AC, TV, मोबाइल के दाम बढ़ सकते हैं और एयर सिक्योरिटी फीस बढ़ने से हवाई सफर महंगा होगा। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम, उसमें इजाफा संभव है। ITR नहीं भरने पर जो TDS है उसका दोगुना आपको भरना पड़ेगा, और ITR पहले के मुकाबले भरना आसान होगा क्योंकि भरे भराए ITR फॉर्म्स मिलेंगे। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ITR नहीं भरनी होगी। EPF में 5 लाख से ज्यादा निवेश के इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा, और PF में जैसा हमने आपको बताया इजाफा होगा, लेकिन इन हैंड सैलरी कम होगी। सरकारी नौकरियों में बेसिक और महंगाई भत्ता सैलरी का 50% या ज्यादा रखना होगा सैलरी स्ट्रक्चर में। तो ये वो महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो 1 तारीख से सामने आने वाले हैं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।